मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं क्लास 6 की बुक से एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया था, अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन या डाउट हो तो आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं कि आपको क्या क्वेश्चन या क्या डाउट है, और अपना नाम भी लिख दीजिएगा ताकि मैं बताऊँ। क्वेश्चन मतलब कमेंट में लिखने की क्वेश्चन लिख दीजिएगा कमेंट में कि ये क्वेश्चन हमारा क्लियर नहीं है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। और कमेंट ज़रूर करिएगा। हाँ, तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मैनी पैरेलल लाइंस आर देयर इन द कैपिटल लेटर ई। कैपिटल लेटर ई में कितनी पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन तो आप जानते होंगे, है ना, ये हमने पैरेलल लाइन के बारे में यहाँ पढ़ा था। जब मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो बता रहा था तब हमने पैरेलल लाइन के बारे में पढ़ा था। टू लाइंस इन अ सेम प्लेन नोट इंटरसेक्टिंग ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। ठीक है, मतलब एक पेज पर, मान लीजिए मैं इसमें बता रहा हूँ, ये पेज पर एक ये दो लाइन खींची हुई है। ठीक है, आपस में आमने सामने, ये आमने सामने, तो ये दोनों लाइन बराबर है ना, ये बताना है कि दोनों लाइन बराबर है कि नहीं। अगर ये दोनों लाइन बराबर है तो हम इसे कहते हैं पैरेलल लाइन। ठीक है, ये दोनों लाइन बराबर है ना, पैरेलल लाइन कहते हैं। इसे मेज़र किया जाता है राउंडर से, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे करते हैं मेज़र। पहले ये बता, जो मेन चीज़ तो मैंने बता दी कि पैरेलल लाइन कैसे कहते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइन कहा जाता है बराबरी बराबर लाइन, जो आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है, मतलब ये सामने सामने होती है, इंटरसेक्ट करती है आपस में। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो मान लीजिए ये 4 का 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर के, क्योंकि ये पैरेलल लाइन की बात कर रहे हैं। तो मतलब जो उसकी सामने वाली लाइन होगी उसी के अपोजिट वो वाली लाइन भी सेम होगी, उसे पैरेलल लाइन कहते हैं। ठीक है, तो हाँ, तो अब इसमें पूछा गया है कि कैपिटल कैपिटल लेटर ई में, ये ई बना हुआ है कैपिटल लेटर, तो इसमें कितनी पैरेलल लाइन है। तो ठीक है, तो ये लाइन भी इसके बराबर है, ये दोनों लाइन भी बराबर है, और ये दोनों लाइन भी बराबर है ना, तो मतलब तीनों लाइन बराबर हैं। तो 1 2 3, तो इसका आंसर आएगा 3। कितनी 3 पैरेलल लाइन है यहाँ पर, 3 बराबर लाइन्स है। ये मत समझिएगा कि ये इसको भी मेज़र किया जाएगा, इसको नहीं, अलग हो जाएगा ना। ठीक है, ये सिर्फ 3 मेज़र, ये पैरेलल लाइन है ये 3। हाँ, चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है द रिलेशन बिटवीन एम एन एंड पी क्यू बाई टेसिंग इज। ठीक है, अब देखा जाता है कि इसमें रिलेशन बताना है बिटवीन एम एन और पी क्यू के बीच में। ठीक है ना, तो अब मैं इसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ। इसमें ये बताना है कि क्या ये दोनों एम एन इक्वल है पी क्यू के, या एम एन बड़ा है पी क्यू से या छोटा है, तो ये सब इसमें ये बताना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हाँ, तो चलिए इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं।